गुड मॉर्निंग, मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह के बज चुके हैं 3:30 और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि परसों मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मुझे उसकी खुशी में और कुछ मुझे काम भी जो करने हैं उसकी टेंशन में मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी मेरे काम है वो मैं अभी से करना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो है ये किचन, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है तो सबसे पहले मैं किचन से शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि किचन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहले किचन को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है पूरे घर को साफ करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किचन को साफ करने के बाद। सुबह सुबह किचन का बल्ब जो है वो ख़राब हो गया था, तो बाहर की बल्ब से जो रोशनी आ रही थी उसी से मैंने जो है इसकी सफाई की थी। ये देखिए मेरा किचन पूरी तरह से रेडी हो गया है, किचन हो गया है बिल्कुल रेडी। मैंने उसको अच्छे से साफ कर दिया है, धो दिया है। ये मेरे कपड़े भी इसी वजह से गीले हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट ये जो रूम है इसको साफ करने वाली हूँ। ये जो चेयर्स हैं इसमें बच्चे जब ट्यूशन पढ़ते हैं तो इनके अंदर जो भी पेपर वगैरह होते हैं, जो भी कूड़ा जो होता है वो सब इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इन चेयर को साफ करूँगी, उसके बाद इन सबको मैं इकट्ठा करके एक कॉर्नर में रख दूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये जो पर्दे हैं इनको मैं वॉश करूँगी और फिर अच्छी तरह से डस्टिंग करके और मैं इस रूम को भी क्लीन कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं इस रूम को क्लीन करने के बाद। मैंने फटाफट से सभी चेयर्स जो है उनको साफ़ किया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला था, तो मैंने इन सभी चेयर्स को साफ़ करके इनके अंदर जो पेपर्स वगैरह थे उन सबको इकट्ठा करके और सभी चेयर्स को जो है ऐसे मैंने एक के ऊपर एक रख के और इनको एक ऐसे रो में रख सारी चेयर्स जो हैं ऐसे सेट कर दी हैं, क्योंकि ये फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई, उसको पिया और उसके बाद मैंने आगे का काम किया। फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं नहा धो भी ली हूँ और अब मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करके फिर देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या मुझे काम करना है। अगर कुछ काम होगा जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं कर लूँगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये काम कल भी हो सकता है तो मैं उसे कल करूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरी बेटी भी उठ चुकी है और इसकी उठते ही जो इसकी शरारतें हैं, मस्ती है, वो शुरू हो गई है। ये देखिए, हेलो प्रव्यू, प्रव्यू हेलो, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरा कुछ तीखा खाने का मन था तो हस्बैंड घर पे ही गोलगप्पे टिक्की ले आए थे और मैंने इनको खाया। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि चलो बाहर घूमने जाते हैं, तो हम बाहर घूमने गए थे, मार्केट गए थे, वहाँ से खूब सारी शॉपिंग की थी। शॉपिंग जो मेन हमने की थी वो अपनी बेटी के लिए की थी, तो घूम के आए हम, थक गए थे, उसके बाद हम सो गए थे। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।